जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 250 लोगों की फरियाद, कहा हर समस्या का समाधान करेगी सरकार, अधिकारियों को त्वरित व संतुष्टि परक फरियादियों की फरियाद को निस्तारण करने को किया निर्देशित। गोरखपुर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह का लोगों ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत, कहा प्रदेश में कहीं नहीं चल रही है टग्गा मार बस, पकड़े जाने पर सीजर की जा रही है कार्यवाही। दो शातिर वाहन चोरों अविनाश चौहान तथा अनिल चौहान को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 4 मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। तीन शातिर वाहन चोर आकाश निसार, सुरेश यादव व शैलेंद्र यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 6 मोटरसाइकिल किया बरामद, एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने किया खुलासा। गोरखपुर सहित प्रदेश के 23 बस स्टैंड को प्रदेश सरकार एयरपोर्ट की तर्ज पर करने जा रही है विकसित, बस स्टैंड पर शॉपिंग मॉल होटल खाने पीने की रहेगी सभी व्यवस्था, प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छापेमारी को लेकर महानगर के बाजारों में अफरा तफरी के माहौल के बीच व्यापारियों के एक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, सीएम योगी ने किया आश्वस्त, निश्चिंत होकर दुकान खोलकर करें व्यापार, किसी भी व्यापारी के साथ नहीं होगा कोई भी अन्याय। और 5 दिवसीय 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय क्रीडा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया शुभारंभ, कहा खेल हमारे राष्ट्रीय एकता का है प्रतीक, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ही है जरूरी, इससे होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास।